हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है ना। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्कस नहीं किए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर में मेंशन है, ठीक है ना। तो देखें कि यहां पर आ जाते हैं वायरस, वायरोइड, प्रियोन और लाइकेंस। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखते हैं तो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर प्रियोन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन नई एनसीईआरटी में जो प्रियोन्स हैं उनको ऐड किया गया है। तो सबसे पहला बिंदु तो आप ये ध्यान में रखें कि मैक्सिमम चांसेस उन पॉइंट्स के हैं जिनमें करेक्शन हुआ है, जिनमें कोई चीज ऐड हुई है, उनके आने के या उनसे संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें जहां कोई करेक्शन हुआ है, जहां कोई नया डायग्राम ऐड हुआ है, नया कोई फ्लो चार्ट ऐड हुआ है, कोई स्टेटमेंट को चेंज किया गया है, वो सारी चीजें आपके लिए क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो प्रियोन पहले नहीं था पुरानी एनसीईआरटी के अंदर, प्रियोन नहीं था। अभी जो नई वाली एनसीईआरटी है ना, इसमें इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। हम यहां पर इस लेक्चर में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, वायरस, वायरोइड, प्रियोन एंड लाइकेंस। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया। आरएच व्हिटेकर ने पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं वायरस, वायरोइड, प्रियोन और लाइकेंस जैसे ऑर्गेनिजम्स की कहीं बात नहीं की है, किसी भी किंगडम में उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो हम इनके बारे में बात करें, सबसे पहले हम एक एक लेंगे, पहले वायरस की बात करेंगे, फिर वायरोइड, फिर प्रियोन और एट लास्ट अपन लाइकेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। पहले मैंने ले लिया है, यहां पर आपका हेडिंग आ जाता है वायरस। वायरस, वायरस को आप हिंदी में कहते हैं विषाणु, क्या कहते हैं, विषाणु। और देखें एक्चुअली वायरस एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड वायरस का मतलब होता है जहर, विष, पॉइजन या फिर पॉइजनस फ्लूड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वायरस को अपन पॉइजन या पॉइजनस फ्लूड भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाश्चर। यानी ये जो वायरस को पॉइजन और पॉइजनस फ्लूड दिया, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, लुईस पाश्चर के द्वारा सजेस्ट किया गया। तो ध्यान में रखेंगे अकॉर्डिंग टू पाश्चर। उसके बाद में बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें वायरस से संबंधित अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो वायरसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, स्टडी को हम बोलते हैं यहां पर वायरोलॉजी। तो जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वायरस की उसे हम क्या कहेंगे, वायरोलॉजी। वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो ध्यान में रखें सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डी जे इवानोव्स्की। कौन थे, डी जे इवानोव्स्की, और कब, 1892 में। उन्होंने किस फॉर्म में इस वायरस को डिस्कवर किया, तो देखें तंबाकू मोज़ेक रोग के रोगाणु के रूप में उसको क्या किया, पहचान की गई। सबसे पहले वायरस को आइडेंटिफाई तंबाकू के पादप में तंबाकू मोज़ेक रोग को उत्पन्न करने वाले रोग कारक या रोग जनक के रूप में उसे डीजे इवानोव्स्की ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। और बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद नाम भी दिया टीएमवी। टीएमवी का पूरा नाम क्या है, टोबेको मोज़ेक वायरस। पूरा नाम लिख लीजिएगा आप साइड में, ठीक है ना। क्या नाम है पूरा का पूरा, टोबेको मोज़ेक वायरस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कि डीजे इवानोव्स्की ने ही बताया कि विषाणु या वायरस जो है वो जीवाणुओं से आकार में छोटे होते हैं, जीवाणुओं से आकार में छोटे होते हैं। एवं ध्यान में रखें इनसे संबंधित एक पॉइंट यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इवानोव्स्की ने बताया कि जो विषाणु है वो क्रॉस द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्या कर लेते हैं, वो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। इट मींस
बैक्टीरिया को छानने वाली छलनी से वो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। इट मींस क्या हुआ कि बैक्टीरिया से भी इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी क्या इसी फिल्टर के बेस पर उन्होंने बताया विषाणु जो है वो जीवाणुओं से क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ये हिस्ट्री है इसकी, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं और ये सारे एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है एम डब्ल्यू बेजरनिक, एक साइंटिस्ट है एम डब्ल्यू बेजरनिक, उन्होंने कंसेप्ट दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, एक जो है श्लोक सा लगता है, एक संस्कृत का कोई शब्द सा लगता है, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम है। तो ध्यान में रखें कंटेजियम वाइवम फ्लूडम इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में हिंदी में अगर, क्योंकि ये भी एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड को अगर अपन यहां पर जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका मीन निकल के आ जाता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड। क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड यानी संक्रामक जीवित रस, यानी ऐसा रस ऐसा फ्लूड जो किसी अन्य जीव को क्या कर सकता है, संक्रमित करने की क्षमता रखता हो, उसके लिए एम डब्ल्यू वेजरनिक ने बताया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं साहब डब्ल्यू एम स्टेनले, डब्ल्यू एम स्टेनले, स्टेनले ने 1935 में वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, वायरस का क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, और क्रिस्टलीकरण करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, 1935 में इन्होंने किसका क्रिस्टलाइजेशन किया, वायरस का, और कौन सा वायरस, सबसे पहला जो आपका क्रिस्टलाइज होने वाला वायरस था वो था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, और इस क्रिस्टल के अंदर जो रवे या जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उस क्रिस्टल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये दो पॉइंट आपको स्टेनले के बारे में ध्यान में रखने हैं। तो सीधे यहां पर जो तीन साइंटिस्ट हैं उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां से आने वाला है। डिस्कवर किसने किया, डीजे इवानोवस्की ने 1892 के अंदर, किस फॉर्म में किया, तो उन्होंने बताया कि तंबाकू मोज़ेक रोग के रोग कारक के रूप में उन्होंने सबसे पहले इसकी पहचान की और बाद में उसको नाम दिया तंबाकू मोज़ेक वायरस या टीएमवी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इवानोवस्की ने यह भी बताया कि विषाणुओं का जो आकार है वो छोटा होता है जीवाणुओं से, किस बेस पर बताया, उन्होंने इस बेस पर बताया कि जो विषाणु है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आए साहब बेजरनिक, तो बेजरनिक ने बताया कंटेजियम वाइवम फ्लूटम का कंसेप्ट कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड यानी संक्रामक जीवित रस। इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी संक्रमित तंबाकू के पादप का रस किसी स्वस्थ पादप के ऊपर छिड़का जाए तो स्वस्थ पादप भी कैसा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यह जो जीवित रस है ये एक प्रकार का कैसा, संक्रामक प्रवृत्ति का होता है। तीसरा, स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया और मेनली उन क्रिस्टल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि जो वायरस का कैप्सूल होता है, आउटर कवरिंग होती है, वो मेनली किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है ना। उसके बाद में देखें साइज एंड शेप की बात करें तो जनरली एनसीईआरटी में चीजें डिस्कस नहीं की है, लेकिन अपन थोड़ा सा ध्यान में रख लें तो कोई खास बात नहीं। देखें साइज टीएमवी की जो साइज है वो 300 नैनोमीटर × 20 नैनोमीटर, 300 × 20 की जो है इनकी साइज होती है। उसके बाद में शेप देखें तो शेप यहां पर आपको वायरसेस के अलग अलग मिल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे राउंड शेप, राउंड शेप वायरस कौन कौन से, तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो राउंड शेप होता है, एचआईवी जो है वो भी कैसा होता है, राउंड शेप होता है, ठीक है ना। रॉड शेप देखा जाए अपन को छड़ के आकार का, तो आपका जो टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस वो छड़ के आकार का होता है। और तीसरी बात करें जो टेडपोल शेप है यानी टेडपोल के आकार का है, टेडपोल क्या होता है, लार्वा होता है एक तरीके का, है ना। तो टेडपोल लार्वा के आकार का हम देखें तो बैक्टीरियोफेज देखने को मिलता है अपने को, कैसे देखने को मिलता है भाई, बैक्टीरियोफेज में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, मिलता है ना, ये हेड होता है, फिर यहां पर ये कॉलर होता है,
है ना, बेसल प्लेट आ जाती है, टेल फाइबर्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज में। तो कुछ टेडपोल शेप आपको स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, किसका, बैक्टीरियोफेज का। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि वायरस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षणों में देखिए, सबसे पहले वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, अकोशिकीय, नॉन सेलुलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में जब तक हैं, जब तक किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तब तक वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग फेज में रहते हैं। और जैसे ही किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं, वो लिविंग की तरह बिहेव करना लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, सूक्ष्मतम होते हैं, 200 नैनोमीटर से भी कम इनकी क्या होती है, साइज होती है, काफी छोटे होते हैं। तीसरा आ जाता है अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब होता है इनके पास में कोई और विकल्प नहीं है, ये केवल और केवल अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर ये एनवायरमेंट में है, किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये नॉन लिविंग फेज में क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद में बात करें तो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस में आरएनए या डीएनए, मैंने आरएनए एवं डीएनए नहीं लिखा है, मैंने क्या कहा है, आरएनए या डीएनए उपस्थित होता है, यानी दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा। अगर आरएनए उपस्थित है तो डीएनए अनुपस्थित, और डीएनए उपस्थित है तो आरएनए क्या रहने वाला है, अनुपस्थित रहने वाला है। परपोषी कोशिका के बाहर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में उपस्थित रहते हैं, जिसको आप इनएक्टिव फेज कह सकते हो, लेकिन जैसे ही होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएंगे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और होस्ट के राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण करने में ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ये तो थी वायरस के कुछ हिस्ट्री के बारे में, साइज और शेप के बारे में, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वायरस का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, किस तरीके का होता है, उसकी बात करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। अब देखिए, केमिकल कंपोजिशन कह दीजिए आप, या फिर आप कह दीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ दी वायरस, ठीक है ना। अब देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें या केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, भाई वायरस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वायरस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एक तो वायरस का जो आउटर मोस्ट कोट है, जो खोल है, एक तो वो होता है, और एक उसमें पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, दो ही चीजें, दो ही एलिमेंट होते हैं वायरस में, ठीक है ना। तो देखें कि एक वायरस को यदि देखा जाए, तो वायरस में एक तो होता है आउटर मोस्ट आपका जो खोल होता है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल या फिर कैप्सिड, और एक होता है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल आप कह सकते हैं। अब इनके आधार पर अगर अपन देखा जाए, तो देखें न्यूक्लिक एसिड तो आपको अच्छी तरीके से पता है, डीएनए आरएनए, और कैप्सूल जो है वो मुख्यतः किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके आधार पर एक वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है एक वायरस को, बिकॉज वो किसके बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखें, हम दोनों एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं यहां पर, कि एक तो आपके पास में है कैप्सूल, पहले हम कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल मुख्यतः किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो यानी पूरा खोल, पूरा जो आवरण है बाहर की तरफ, वो प्रोटीन का बना हुआ है, और इसकी कैप्सूल या कैप्सिड की एक यूनिट या एक इकाई को हम कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर एक कैप्सूल या कैप्सिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जिनमें कैप्सूल के अतिरिक्त भी
एक और आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। और इस एनवलप के यूनिट की बात करें तो इनको बोलते हैं पैप्लोमियर्स। क्या बोलते हैं? पैप्लोमियर। और ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जिनके अंदर एनवलप प्रेजेंट होता है, उन्हें एनवलप वायरस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनवलप वायरस के नाम से। तो कैप्सूल के बारे में सिंपल सी चीज, आउटर मोस्ट प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है ना। एक यूनिट या एक इकाई को हम कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है ना। अगर कैप्सूल के अतिरिक्त तो कोई आवरण है तो वो आपको कौन सा मिलेगा? एनवलप। और इसकी इकाई आपकी कौन सी होती है? पैप्लोमियर्स होती है, ठीक है ना। और ऐसे विषाणुओं को एनवलप वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से कि हम इतनी लंबी चौड़ी बात या इतनी डिटेल्ड बात वायरस के बारे में और कहीं नहीं करने वाले हैं। तो मैंने जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वायरस के बारे में डालनी है वो यहीं पर इसी लेक्चर के अंदर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सारी पूरे बायोलॉजी के अंदर वायरस से रिलेटेड जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। देखे कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में यहां पर आरएनए या डीएनए होता है। अभी मैंने आपको बताया था या तो आरएनए होगा या डीएनए। अगर आरएनए है तो डीएनए एब्सेंट, और अगर डीएनए है तो आरएनए क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। यानी दोनों में से कोई ना कोई एक ही उपस्थित रहना है, ठीक है। अब देखे अगर किसी वायरस में आरएनए प्रेजेंट है एज ए न्यूक्लिक एसिड, एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आरएनए वायरस। अगर किसी वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? डीएनए वायरस कहेंगे। अब ध्यान में रखेंगे कि आरएनए वायरस जो है वो आपके कॉमनली सामान्यतः जितने भी प्लांट वायरस हैं, जितने भी पादप वायरस हैं, पादप विषाणु में सारे के सारे कैसे होते हैं? आरएनए वायरस होते हैं, कुछ को छोड़कर। तो मैंने कॉमनली लिखा है, कॉमनली में क्या आ जाता है कि सामान्यतः नॉर्मली जो है वो आपके प्लांट वायरस आरएनए वायरस होते हैं। और जिनके अंदर ये जो आरएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आरएनए कैसा रहेगा? एक रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही मिलता है। अब एक्सेप्शन की बात करें तो देखें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, CMV कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है उसमें आपको आरएनए नहीं बल्कि वहां पर आपको जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। तो ये कहीं कुछ एक्सेप्शन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये एक दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि प्लांट वायरस है मींस उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलने वाला है। अगर एनिमल वायरस है, जंतु विषाणु है, तो उसके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आरएनए वायरस कॉमनली प्लांट वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। अगर बात करें डीएनए वायरस की तो नॉर्मली डीएनए वायरस आपके कौन से? एनिमल वायरस सारे के सारे, जंतु विषाणु सारे के सारे कैसे होते हैं? डीएनए वायरस। जिसमें डीएनए किस फॉर्म में होता है? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। ध्यान में रखें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है नॉर्मली, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ में आरएनए भी उपस्थित होता है। कुछ जंतु विषाणु ऐसे हैं जिनमें डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है, और ये आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तो थी बात केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की। अब यहां पर दो वायरसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को थोड़ी सी, दो लाइन की इन्फॉर्मेशन है, डायग्रामेटिक वगैरह, तो वो ध्यान में रखनी है। क्या पहला आ जाता है आपको ध्यान में रखना है? टीएमवी। टीएमवी सबसे पहले खोजा गया वायरस था, इवानोवस्की ने इसको खोजा था, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी जो सिमेट्री है, सममिति, वो सममिति किस प्रकार की होती है? कुंडलित प्रकार का होता है। और इसके अंदर कैप्सोमियर की जो संख्या है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, 2130 कैप्सोमियर इसके कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलता है। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, जिसमें यह जो आपको पिंक कलर के अंदर
छोटे छोटे से लॉब्यूल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैप्सूल है, सॉरी ये आपके सारे के सारे कैप्सोमियर है, ठीक है ना, कैप्सोमियर है। और कैप्सोमियर मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैप्सिड या कैप्सूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसके सेंटर में एक ल्यूमेन, एक कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलने वाला है। तो ये एक डायग्राम में ये तीन लेबलिंग आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो ये डायग्राम है किसका, टीएमवी का है। ये जो आपको एक एक, अगर एक की बात करें तो ये कैप्सोमियर है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैप्सिड या कैप्सूल हो जाएगा। अंदर ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कुंडलित अवस्था में देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कैसा दिखेगा आपको, कॉइल्ड मिलने वाला है, कुंडलित मिलने वाला है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज, फेज, फेज या फैगो वर्ड रिप्रेजेंट करता है खाने को, जैसे अपन बता देना फेगोसाइटोसिस, बता देना फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता, भक्षण करना, खाना। तो यानी बैक्टीरियो और फेज, तो देखो कुछ यहां पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा, बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला। इट मींस आप कह सकते हैं वायरस विच इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को हम क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी, है ना, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज आप कह सकते हैं। खोज किसने की थी, एफ डब्ल्यू ट्वाल्ट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखें बैक्टीरियोफेज में नॉर्मली आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए मिलता है। ये एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, डबल स्टैंडर्ड के साथ में आपको ध्यान में रखना है लीनियर डीएनए, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो तो आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी मिलता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में आपको डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर कुछ अपन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो डायग्राम में देखें आपको ये बाहर का जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका हेड पोर्शन होता है, हेड के बाद में ये होता है कॉल, कॉलर आपका, और कॉलर में ही आपके कॉलर के नीचे शीत, और शीत के बीच में ये आपको नीचे यहां पर दिख जाती है बेसल प्लेट, ठीक है ना, ये है आपकी बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट से बहुत सारे टेल फाइबर निकले हुए रहते हैं। ऊपर की तरफ हेड है, हेड के जस्ट बाद आ जाता है कॉलर, कॉलर के बाद आ जाती है लंबी सी शीत, शीत के बाद में बेसल प्लेट, बेसल प्लेट से बहुत सारे टेल फाइबर निकले हुए हैं जो संक्रमण करने का काम करते हैं, इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और हेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलने वाला है विच इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये तो थी बात आपकी बैक्टीरियोफेज के बारे में, लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज जो है वो यहां पर एक्सेप्शन है किसका, इस जेनेटिक मटेरियल का, कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्थान पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलने वाला है, और एक 5x174 वायरस है। आप जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे यानी 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है कि उसमें 5x174 वायरस के अंदर जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। तो मैंने कहा ना, मैं पूरी बायोलॉजी से आपके सिलेबस से पॉइंट कलेक्ट करके और एक जगह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें आप कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज 5x174 वायरस ये एक्सेप्शन है, जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और 5x174 वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली देखो यहाँ पर ये चीजें हम बाद में भी स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, कि जो बैक्टीरियोफेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वायरुलेंट और दूसरा होता है नॉन वायरुलेंट, है ना। वायरुलेंट जिसे हम कहते हैं उग्र, और इसे हम अनुग्रह
भी कहते हैं, यानी जो वायरुलेंट नेचर के बैक्टीरियोफेज होते हैं वो संक्रमणकारी होते हैं, जबकि जो नॉन वायरुलेंट हैं वो संक्रमण नहीं करते हैं, इन्फेक्शन नहीं करते हैं या किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरियोफेज के दो टाइप्स हो जाते हैं यहाँ पर, एक वायरुलेंट होता है और दूसरा नॉन वायरुलेंट होता है। उसके बाद में देखें कि कुछ और बैक्टीरियोफेज भी होते हैं जिनके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, एक एक लाइन की टर्म्स हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे साइनोफेज, हमने टीएमवी की बात की, हमने बैक्टीरियोफेज की बात की, उसी प्रकार से होते हैं साइनोफेज। अगर ऐसे देखा जाए तो यहां पर शब्द में ही आंसर है, क्या साइनोबैक्टीरिया प्लस बैक्टीरियोफेज, है ना, इन दोनों शब्दों को अगर अपन मिला दें क्या बन जाएगा, साइनोफेज बन जाएगा। साइनो तो यहां से आ गया और फेज यहां से आ गया, तो सीधा सा है कि ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, नील हरित शैवाल को या साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइनोफेज बोलते हैं। तो ठीक है ना, वायरस विच इन्फेक्ट दी साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और एक एग्जांपल भी आपको ध्यान रखना हो तो LLP1, ठीक है ना, LLP1 जो है वो किसका एग्जांपल है, साइनोफेज वायरस का है। इसी प्रकार का सेम बिल्कुल होता है आपका डिटो माइकोफेज बैक्टीरिया, माइकोफेज वायरस। अब माइकोफेज वायरस में वही आ जाता है, माइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, माइसीलियम को, और माइसीलियम कहां पाई जाती है, फंजाई में, कवक में पाई जाती है। तो जहां माइको आया, इट मींस रिलेशन किससे है, फंजाई से है, कवक से। ये मैंने पहले ही आपको कहा कि मीनिंग्स आप अच्छी तरीके से याद रखें, दिमाग में रखें, आपके लिए बायोलॉजी इजी होती चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो माइकोफेज, माइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइसिलियम या फंजाई को, और फेज बैक्टीरियोफेज के लिए, यानी ऐसे वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइकोफेज वायरस बोलते हैं। लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, बल्कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ध्यान में रखें, माइकोफेज जो हैं उनके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स आते हैं। देखें, जब भी बैक्टीरियोफेज की बात आती है, एक टर्म हमारे सामने आ जाती है, ट्रांसडक्शन, पारक्रमण। ट्रांसडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन में मैंने आपको बताया कि जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जेनेटिक मटेरियल के इस ट्रांसफर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। देखें, जब आनुवांशिक पदार्थ का दाता कोशिका से, है ना, आनुवांशिक पदार्थ का दाता कोशिका यानी बैक्टीरियोफेज से, ग्राही कोशिका यानी कौन हो गई, बैक्टीरिया हो गई, ग्राही कोशिका में स्थानांतरण होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन कहलाती है। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, है ना, पढ़ा होगा ना आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें यही तो होता है, एक बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन। देखो, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको यहां पर तीन मेथड बताए थे, एक बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, एक बताया था ट्रांसडक्शन, और एक बताया था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने उसी वक्त बता दिया था, ट्रांसडक्शन के बारे में आया है तो मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या होता है। उसके बाद में विषाणु जनित पादप रोग, कि जब विषाणुओं का संक्रमण होता है पादपों पर, तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है कि पादपों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पादपों की, पादपों का मोज़ेक हो जाना, पत्तियों का पीला हो जाना, शिराओं का स्पष्ट हो जाना, पत्तियों का कुंचित हो जाना, पत्तियों का मुड़ जाना, वृद्धि कम हो जाना, ये सारे फीचर एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर, वो सारे फीचर इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पादपों में विषाणु जनित रोग, कि विषाणुओं से पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, तो उनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो मैंने यहां पर लिखी है। जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी के अंदर येलो वेन मोज़ेक डिजीज होती है,
लीव कर्ल ऑफ पपाया यानी पपीता की पादप की पत्तियों का क्या हो जाना, कर्ल हो जाना, मुड़ जाना। पोटेटो लीफ रोल, जो आपका आलू का पौधा है उसकी पत्तियों का रोल हो जाना, है ना। और जो टोमेटो लीफ कर्ल यानी जो आपकी टमाटर की पत्तियां हैं उनका कुंचित हो जाना, है ना, उनका कर्ल हो जाना, ये सारी डिजीज किसकी है, विषाणु जनित पादप रोग के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से मानव में, जंतुओं के अंदर भी, मानव में और जंतुओं में भी विषाणु जनित रोग होते हैं बहुत सारे, जिनको आप डिटेल से 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उन डिजीज के नाम ही तो अपने को याद रखने हैं ना यहाँ पर, तो वो नाम मैंने यहाँ पर एक ट्रिक के थ्रू आपको बता दिया। मानव में विषाणु जनित रोग देखिए, ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर, क्या है, छोटे डीएम का खास चैप्टर, छोटे में मीन्स छोटी माता, D4 डेंगू बुखार, M4 मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, खास मीन्स खसरा। उसके बाद में आ जाता है चैप्टर में पूरे जो आपके 6-7 लेटर हैं उनके बारे, C4 चेचक हो जाएगा, H4 हर्पीज और हेपेटाइटिस, दोनों ही किससे, विषाणु जनित है। A4 एड्स हो जाएगा, P4 क्या आ जाएगा आपका, पोलियो। उसके बाद में आ जाता है T4 ट्रैक्रोमा, E4 इन्फ्लुएंजा और R4 रेबीज। तो ये सारी जो डिजीज है आपकी, ये किससे होती है, विषाणु जनित रोग है। तो कभी आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो उसमें आपको इनमें से कहीं एक ऑप्शन मिले तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हो। तो आज केवल हमने केवल और केवल वायरस की ही बात की है, ठीक है ना, अभी लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो वायरस के बाद में जो आपके वायरॉइड, प्रियोन और लाइकेन्स, फर्दर वायरॉइड और प्रियोन तो ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन लाइकेन का टॉपिक थोड़ा सा मैं लंबा करके बताऊंगा यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो वो लास्ट लेक्चर के अंदर हम ये चीजें स्टडी करने वाले हैं। आज ये वायरस, वायरस के बारे में आपका मामला जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना।